बेटा देख ले तो आज रिकॉर्ड हो रही कि नहीं हो रही। गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे थे PGPP, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे थे और ये हमारा थर्ड लेक्चर है, क्वेश्चन नंबर 10। एक्स लिमिटेड अ कंपनी प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ऑब्टेन अ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस ऑन अप्रैल 2021 फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स विच एंड्स ऑन मार्च 31, 2022। कहाँ ख़त्म हो जाएगा, पागल हो रहे क्या? 21 से चालू होकर 10 साल 31, 22 में ख़त्म भी हो जाएगा क्या? लाइसेंस फीस बीइंग 18 लाख, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35A(b) इफ द एंटायर अमाउंट इज पेड ऑन May 6, 2021, द एंटायर अमाउंट वॉज पेड ऑन April 1, 2022, द एंटायर अमाउंट इज पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स April 30, 2021, April 30, 2022 एंड April 30, 2023। आपको पता है ना क्या करना है? अगर सारा अमाउंट एक साथ पे कर दिया तो रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर देना है। अब पहली बार अगर उसने पे किया है फर्स्ट पॉइंट में May 21 में, तो May 21 से लेके अभी तो पूरे 10 साल बाकी है, कितनी फीस है उसकी? 18 लाख। 18 लाख डिवाइड बाय 10 कितना हो गया आपका? हाँ, 1.8 लाख का हर साल का डिडक्शन है उसका, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि अगर वो कब पे करता? April 1, 2022 में पे करता, तो April 1, 2022 में एक साल तो निकल गया उसका। दूसरे साल से पे करा मतलब कितने टाइम बचे? 9 साल बचे, तो डिवाइड बाय 9 हर साल का डिडक्शन कितना हो जाएगा? 2 लाख। और अब ये तीसरा वाला थोड़ा घातक है, तीसरे वाले में हमें समझना पड़ेगा कि भाई साहब अगर वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, पहली इंस्टॉलमेंट कौन सी ईयर में पे कर रहा है? देखो मेरे को डेट से मतलब नहीं है, मेरे को ईयर से मतलब है। पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है 21, 22 में, करेक्ट टू में है ना? दूसरी पे कर रहा है 22, 23 में और तीसरी पे कर रहा है 23, 24 में, डन। अगर 21, 22 में पे करता है तो भाई इसकी रिमेनिंग लाइफ है 10 इयर्स, करेक्ट है? 22, 23 में पे करता है तो रिमेनिंग लाइफ है 9 इयर्स और 23, 24 में कितनी है? 8 इयर्स। वो कह रहा है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, अमाउंट कितना है? 18 लाख। 18 लाख 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देखे तो 6 लाख। करो भाई 6 लाख डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू पहला वाला मैं कर देता हूँ, दूसरा वाला बताओ। 66,667। तीसरा वाला बताओ। 75,000। और अब कहानी समझो प्लीज़, पहले साल में तो एक ही इंस्टॉलमेंट है तो पहले साल का तो डिडक्शन ही कितना मिलेगा इनको? ओनली एंड ओनली 60,000। अब जब सेकंड ईयर आया उसने पहली वाली इंस्टॉलमेंट का 60 तो मिलेगा ही मिलेगा, एक इंस्टॉलमेंट और पे कर दी तो 66 और मिलने लग जाएगा। तो 60,000 प्लस 67,000 टोटल बताओ कितना हुआ? 1,26,667, डन। तो पहले साल में ये, दूसरे साल में ये और तीसरे साल में, सर पहली इंस्टॉलमेंट का 60 भी मिलेगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट का 66 भी मिलेगा और तीसरी इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो 75 भी मिलेगा। तो अब मिलेगा आपको 75 प्लस 1,26,667 इक्वल्स टू कितना हो गया? 2,01,667। ये आपका थर्ड ईयर से लेके कि लास्ट ईयर 10th ईयर तक यही मिलता रहेगा, है ना? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ओके, चलो नेक्स्ट। एक्स लिमिटेड अ कंपनी विच प्रोवाइड्स टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एक्वायर्स अ टेलीकॉम लाइसेंस ऑन April 5, 2021 फॉर पीरियड ऑफ 15 इयर्स विच एंड्स ऑन 31 मार्च 2036, लाइसेंस फीस बीइंग 15 लाख ऑन May 6, 2021, द लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड बाय एक्स लिमिटेड ऑन December 2023। कब? देखो आप अंडरलाइन करो कब ट्रांसफर किया, कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 22। खरीदा तो कब था? खरीदा था 21-22 में और बेचा कब? 22-23 में, मतलब अगले ही साल बेच दिया, मतलब एक ही साल का डिडक्शन मिलेगा उसको। कितनी फीस पे करी थी उसने? कितनी पे करी थी? 15 लाख।
बेटा बेचा कब जरा देखो तो सही, 22-23 में कहाँ बेचा, 23-24 में बेचा है यार, दिसंबर 2023 है, 23-24 में बेचा है, तो 2 साल का डिडक्शन मिल जाएगा उसको। 15 लाख रुपए पे किए कितने साल के लिए, 15 साल के लिए, तो 1 साल का हो गया 1 लाख, 2 साल का हो गया 2 लाख, तो माइनस करो 2 लाख, तो अब उसकी WDV कितनी बची है, 13 लाख। और अब ये क्वेश्चन है कि हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो सर 13 से कम में ट्रांसफ़र करोगे तो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन उस साल का, ज़्यादा में ट्रांसफ़र करोगे तो जितना डिडक्शन ले चुके हो उतने का बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, और कॉस्ट से भी ज़्यादा में करोगे तो कैपिटल गेन। तो देखो पहला वाला कितने में ट्रांसफ़र करा उसने, 6,92,000, तो 13 में से 6,92,000 गए तो बचा कितना, 6,08,000। तो ये 6,08,000 आपके बिजनेस की इनकम मानी जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कितने में बेचा उसने, 13,70,000, तो 13 लाख तो पूरे रिकवर हो गए, 70,000 और रिकवर हो गए, तो ये 70,000 क्या मानी जाएगी उसकी बिजनेस की इनकम, ठीक है। और अब आएंगे अपन, इसने कितने में बेचा, 15,60,000 में, तो 2 लाख जो डिडक्शन लिया था वो तो पूरी पूरी इनकम मानी ही जाएगी, प्लस 60,000 रुपये क्या माना जाएगा उसका कैपिटल गेन, ठीक है। अब भाई कहानी में ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट है कि जो अपन ने कल डिस्कस किया कि जब ये लोग ये 13 लाख की चीज कम में बेचते हैं, कितने में बेचा एक में आपको, फर्स्ट वाले में कितने में बेचा, 6,92,000 में बेचा, ठीक है। तो आपको इस साल का डिडक्शन कितना मिल गया आपको, 6,08,000, डन। प्लस कल हमने बात करी थी कि इस सेक्शन में स्पेसिफिकली कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कंसिडर नहीं कर सकते, तो ये लोग फिर कहाँ जाते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी जाते हैं कि हमने इसको कितने में बेचा, 13 लाख रुपए में, और इसकी कॉस्ट WDV कितनी थी हमारे पास, सॉरी कितने में बेचा, 6,92,000 में बेचा अपन ने। और इसकी कॉस्ट मेरे लिए कितनी थी, 15 लाख, तो रिमेनिंग 8,08,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी क्लेम कर सकते हो। बट फिर ये बुक वाला ही समझाता है कि ऐसा एज पर करंट प्रोविजंस पॉसिबल है, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि ऐसा रूल बनाया जाए कि अगर आप ये डिडक्शन यहाँ क्लेम कर रहे हो तो वापस से इसका डबल बेनिफिट कैपिटल गेन में आपको ना मिले। और मैंने आपको अल्टरनेट सुझाया था कि आपको इतनी ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है, आपसे एक क्वेश्चन PGBP का आया है तो आप सिर्फ PGBP की इनकम लिख के छोड़ के चले आओ, आप ये दोनों बातें उसको बताओगे ही नहीं कि ये चीज़ पॉसिबल है और हम सजेस्ट कर रहे हैं, साला तुम होते कौन हो सजेस्ट करने वाले, है ना। तो हम इस पार्ट में बताएंगे ही नहीं, दो बुक में ये पार्ट सॉल्व करके दे रखा है। हम कहाँ तक दिखाएंगे कि सर टर्मिनल डेप्रिसिएशन 13 लाख WDV थी, 13 से भी कम में बेचा है, तो रिमेनिंग जो बचा वो क्या है आपका, डेप्रिसिएशन, सिंपल, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, ऑन April 1, 2021 एक्स लिमिटेड कमेंस द ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इन आंध्र प्रदेश फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अंडरलाइन करो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, हाँ वेरी गुड, 35 AD वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अंडरलाइन करो और क्वेश्चन रीड करो प्लीज। क्वेश्चन रीड किया आप लोगों ने, जनरली क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ एक ही रूल पे बेस्ड है कि 35 AD में आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा मिल जाता है, पूरा अलाउड हो जाता है, ठीक है। अब उसमें एक नई बात और क्या होती है कि 35 AD का लॉस सिर्फ और सिर्फ 35 AD से ही क्या होता है, एडजस्ट होता है, और किसी से एडजस्ट नहीं होता, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को, बस इस रूल को आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को उल्टा सीधा फ्रेम करके दे रखा है, ठीक है, हम हमारे बेसिक्स से नहीं हटेंगे। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस,
कि जब मैंने आपको 35AD के तहत 100% डिडक्शन दे दिया आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो उसी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डेप्रिसिएशन भी अलाउड होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। इन बेवकूफ़ों ने डेप्रिसिएशन माइनस करके आपको इनकम दे रखी है, क्यों दे रखी है भाई? हम तो वापस से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उसको, और 100% डेप्रिसिएशन क्या, 100% डिडक्शन क्या ले लेंगे, अलाउ कर लेंगे। क्लियर? ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल शर्तें भी हैं, वो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन रीड करूँगा आपको समझाता जाऊँगा। पहला क्वेश्चन नंबर 12, ऑन अप्रैल 1, 2021 एक्स लिमिटेड कमेंस द ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इन आंध्र प्रदेश फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी। परचेज ऑफ लैंड ऑफ वेयर हाउस, मिलेगा क्या डिडक्शन आपको? लैंड का डिडक्शन मिलेगा? कभी नहीं। लैंड के अगेंस्ट में इनकम टैक्स में कोई डिडक्शन नहीं मिलता, तो क्रॉस मार दो इसको। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस, हाँ ये मिल जाएगा। परचेज ऑफ नो हाउ ऑफ वेयर हाउस, ये भी मिल जाएगा। सैलरी ऑफ स्टाफ 78,000, ये भी मिल जाएगा आपको। द एक्सपेंसेस आर कैपिटलाइज ऑन March 31, 2021, पिछले साल में खर्चा हुआ था, पिछले साल में कैपिटलाइज हो गया, तो जैसे ही बिजनेस कमेंस होगा सारा खर्चा आपको अलाउड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों खर्चे आपको अलाउड हो जाएंगे। इसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग 21-22, ड्यूरिंग द ईयर क्या खर्चा हुआ? कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस अलाउड है। परचेज ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, अंडरलाइन करो ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, स्टार मार्क करो इसके ऊपर। परचेज ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम जर्मनी, डबल अंडरलाइन करो फ्रॉम जर्मनी, और जर्मनी पे स्टार मार्क करो। और अब सेकेंड हैंड, अब ये सेकेंड हैंड का रूल्स एंड रेगुलेशन सुनो भाई। सेकेंड हैंड का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है कि हम आपको ये बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या दे रहे हैं, डिडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर कोई शाणा बने, ऑलरेडी उसका ये बिजनेस हो, पर वो उसको एक नाम से शट करके दूसरे नाम से चलाने लग जाए, वापस से डिडक्शन लेने लग जाए, तो देंगे क्या उसको? नहीं। तो इसकी एक शर्त आती है कि ये जो बिजनेस है ये स्प्लिटिंग अप से नहीं बनाओ। किससे नहीं बनाओ? स्प्लिटिंग अप से, मैं दिख रहा हूँ, हाँ स्प्लिटिंग अप से नहीं बनाओ। मतलब अगर मैंने कहूँ कि मेरी ऑलरेडी एक क्लासेस थी, क्लासेस 35AD में आती है, दो फ्लोर थे, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। अब मैंने क्या करा, फर्स्ट फ्लोर रहने दिया, सेकंड फ्लोर पे नया बोर्ड चिपका दिया, और सेकंड फ्लोर पे जितने भी एसेट्स हैं उसका डिडक्शन लेना चाहता हूँ मैं 35AD में, तो मिलेगा क्या? नहीं। स्प्लिटिंग अप से नहीं होना चाहिए। अब अगर स्प्लिटिंग अप से नहीं होना चाहिए तो सेकंड हैंड चलेगा क्या? सेकंड हैंड भी नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं आप इंडस्ट्री सेट बोल के जैसे धोखाधड़ी ना करो। नहीं तो क्या होगा कि मेरी एक क्लासेस है BCC, अब मैंने दूसरी क्लासेस खोल दी मैप के नाम से, और BCC के एसेट मैप को बेच दी, यहाँ से एसेट गए तो यहाँ पे तो बिकेगी, तो क्या करेंगे, WDV में से माइनस हो जाएंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे तो 35AD में 100% डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो सेकंड हैंड भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें अगर सस्ते दाम में मिल जाती है तो क्या बुराई है? तो सेकेंड हैंड असेट्स के लिए 20% का क्राइटीरिया है। तो जहाँ आपने पहला स्टार लगाया ना, कौन सा? फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट वाला। परचेज ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, तो वहाँ पे लिख दो शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ असेट, शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ असेट। डन। और जो सेकंड पॉइंट में आपने जर्मनी से जो सेकंड हैंड लाए उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, उसमें तो आप लिख दो इंपोर्टेड सेकंड हैंड इंपोर्टेड मशीन्स, सेकंड हैंड इंपोर्टेड मशीन शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज सेकंड हैंड। कि भाई अगर विदेशों से सेकंड हैंड मशीन्स ला रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडिया में उसका डेप्रिसिएशन आज तक क्लेम नहीं हुआ, लेकिन इंडिया से ही खरीद रहे हो तो वो 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी हमने आपको छूट दे दी, नहीं तो सेकंड हैंड तो होनी ही नहीं चाहिए। समझ में आया? ठीक है, अब ज़रा देखो परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया, 9 लाख। अब टोटल प्लांट एंड मशीनरी करो, टोटल कितना हो गया प्लांट एंड मशीनरी? 9 + 4 = 13 + 2 = 15। हम कह रहे हैं सेकेंड हैंड 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, टोटल है 15 लाख। 15 लाख का 20% कितना होता है? 3 लाख। तो 3 लाख से कि तो अंदर ही है ना, वो तो चल जाएगा। इसका मतलब इस 2 लाख का भी हमें डिडक्शन मिल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कि जो आप नई प्लांट एंड मशीनरी आए उस पर तो 9 लाख पे तो मिलेगा ही मिलेगा,
जो जर्मनी से लाया है उसको तो सेकंड हैंड मानते ही नहीं, उस चार पे भी मिलेगा ही मिलेगा, तो 13 पे तो मिलना ही मिलना था। प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, जो सेकंड हैंड लाए थे, कितनी लाए थे आप डोमेस्टिक मार्केट से, 2 लाख की। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये 20% के अंदर अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 20% से ज़्यादा है तो फिर अलाउड नहीं। ठीक है, तो 15 लाख की टोटल मशीन दी थी, उसका 20% कितना हो गया, 3 लाख, है 4 लाख फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, तो 2 लाख ही लिखा हुआ है, 4 4 9 लिखा हुआ है इसमें, हाँ तो 4 तो जर्मनी के आगे लिखा हुआ है ना, ऊपर नीचे हो रहा है मतलब। तो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन और कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस में कितना लिखा हुआ है, 2 लाख। तो पर्चे तो गुडविल के लिए क्या लिखा हुआ है, मेरे को शीट दो, इसकी माँ का साथी ना था, अरे एक लाइन मिसिंग है इसमें, यहाँ पे ये जो एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग 21-22 है ना, उसके आगे कोई अमाउंट नहीं आएगा, वो तो लिस्ट दे रखा है नीचे। फिर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस है उसके सामने आएगा 60 लाख, और फिर जो परचेज ऑफ ओल्ड मशीन है फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट उसके सामने आ जाएगा 2 लाख, परचेज ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम जर्मनी है उसके सामने आ जाएगा 4 लाख। और अब परचेज ऑफ गुडविल के ऊपर एक लाइन और ऐड करोगे आप, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, उसका अमाउंट है 9 लाख और परचेज ऑफ गुडविल है 3.5 लाख। समझ में आई, ठीक है, तो एक लाइन स्किप हो गई है इसमें क्वेश्चन में से, परचेज ऑफ गुडविल के ऊपर एक लाइन लिखो, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और 9 लाख रुपए उसका अमाउंट है और गुडविल का अमाउंट है 3.5 लाख रुपए। समझ में आ गया, आप डन। अब पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को, कृष्णा क्यों हंस रहा है तू, तो समझ में आ गया, अब बताऊं वापस से, ठीक है, जो जर्मनी से खरीद के लाया उसको तो सेकंड हैंड मानेंगे ही नहीं, है ना, तो अलाउड है। जो डोमेस्टिक का मार्केट से खरीद के लाया सेकंड हैंड 2 लाख की चीज़, उसी में प्रॉब्लम है, है ना, ये 2 लाख की चीज़ 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ मेरी प्लांट एंड मशीनरी टोटल कितने है, 15 लाख, 15 लाख का 20% कितना होता है, 3 लाख, तो 3 लाख के अंदर अंदर है ना, तो इस 2 लाख का भी डिडक्शन मिल जाएगा। अगर 3 लाख से ज़्यादा होता तो इसका डिडक्शन नहीं मिलता, फिर इस पर तो तुम नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। समझ में आया, ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 21-22, अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन्स यूजिंग वेयर हाउस, ये तो ग्रॉस रिसिप्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग अलाउड नहीं है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अलाउड नहीं है, कॉस्ट ऑफ नो हाउ रिटर्न ऑफ अलाउड नहीं है, तीनों के आगे क्रॉस क्रॉस या प्लस 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 का साइन लगा दो। क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि सर ये तीनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउड होगा, आप काय को डेप्रिशिएट कर रहे हो, काय को राइट ऑफ कर रहे हो, ठीक है। देन अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलाउड है, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी अलाउड नहीं है, 54 भी अलाउड नहीं है पॉलिटिकल पार्टी को, तो इसके आगे भी प्लस का साइन लगा दो, ठीक है, ओके। तो अब अपन क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे लेंगे नेट प्रॉफिट कितना, 53,49,000, और उसमें ये चारों चीज़ें प्लस कर देंगे, चार चीज़ जो ऐड करनी हो कौन कौन सी है, 340, 350, फिर नो हाउ का कितना है, 10 लाख, और पॉलिटिकल पार्टी का 10,000, ठीक है। अब क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, आउट ऑफ अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस द पेमेंट ऑफ 40,000 मेड इन कैश,
अंडरलाइन कर लो मेड इन कैश, ये भी अलाउड नहीं है, इसको भी प्लस करो। नेक्स्ट, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड अंडर सेक्शन 37, फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम ऑफ ऑफिसर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 ऑन द असम्पशन दैट एक्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ कमीशन एजेंसी 20,15,000, किसी और बिजनेस से उसका इनकम कितना है 20,15,000 कंप्यूटर अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 50,000, अदर सोर्सेज की इनकम भी है उसकी 50,000 की। एक्स लिमिटेड हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड सो फार, एक्स लिमिटेड डज नॉट वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर अल्टरनेट टैक्स रिजाइन अंडर सेक्शन 115BAA and BAB। छोड़ो इसको, अब उसने दो इनकम और बोल दी वो अपन बाद में करेंगे। मेरे हिसाब से मेरा ये प्रॉफिट होना चाहिए, करो इन सबको प्लस, कितना आ रहा है 70,89,000, क्योंकि सारी चीज़ें अपन ने क्या करी है प्लस करी। अब अपन माइनस कर देंगे 35AD का डिडक्शन, और 35AD का डिडक्शन आप यहाँ पे कैलकुलेट करो क्वेश्चन के शुरू से जो अपन लिखते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले आपको लैंड का नहीं मिलेगा, कॉस्ट ऑफ वेयरहाउस 8 लाख मिल जाएगा आपको, टेक्निकल नो हाउ 10 लाख मिल जाएगा आपको, 78,000 की सैलरी मिल जाएगी आपको। देन फिर उसके बाद करंट ईयर में जो खर्चा हुआ है वेयर हाउसिंग का 60 लाख मिल जाएगा आपको, और प्लांट एंड मशीनरी में पूरे 15 लाख मिल जाएंगे। चल जाओ, पूरे 15 लाख मिल जाएंगे आपको प्लांट एंड मशीनरी में। अपन ने मोटर वाला डिस्कशन कर लिया कि जर्मनी वाले को तो अलाउड है इसी, और वो जो डोमेस्टिक मार्केट है वो 20% के अंदर अंदर, तो 15 लाख ये भी मिल जाएगा। और कुछ तो नहीं है ना डिडक्शन लेने के लिए, और कुछ भी नहीं है, बताओ कितना हुआ। एक मिनट, परचेज और गुडविल नहीं लिखे इन्होंने यार, परचेज और गुडविल भी। आपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में परचेज ऑफ लैंड ऑफ फॉर वेयर हाउस पे क्रॉस लगाया है ना, इसी तरीके से परचेज ऑफ गुडविल पे भी क्रॉस लगा दो। 35AD की स्पेसिफिक कंडीशन है कि लैंड और गुडविल पे आपको 35AD का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए बस इतना ही अमाउंट है। इसको टोटल करो कितना हुआ, ये 93,78,000, और अब माइनस करो इसमें से 93,78,000 लॉस आएगा, बताओ कितना है 22,89,000 का लॉस। और ये जो लॉस है ये सिर्फ 35AD के बिजनेस से ही एडजस्ट हो सकता है, और किसी से एडजस्ट नहीं होगा। इसके पास 35AD का और कोई बिजनेस नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब आओ आप इसकी कंप्यूटेशन पे। कंप्यूटेशन में देखें तो 35AD वाला जो बिजनेस था जिसमें लॉस हो रहा है इसका 22,89,000, ये तो हो जाएगा इसका कैरी फॉरवर्ड। और इसका एक और बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम थी, कमीशन एजेंसी थी, उससे कितना था इसका 20,15,000, और एक इसको डिविडेंड मिला था अदर सोर्सेज के तहत कितना 50,000। टोटल कितना हो गया इसका 20,65,000। डन, अब 20,65,000 में आप जो चीज़ लगभग लगभग सारे ही बच्चे भूल जाएंगे वो है ये पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन, कि जो पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दिया वो अपने PGBP में तो डिसअलाउ कर दिया, पर 80GG ये एक्स लिमिटेड है, क्या है एक्स लिमिटेड है, तो 80GGB फॉर कंपनी कितना 10,000 का इसका डिडक्शन मिल जाए, तो इसकी इनकम रहेगी 20,50,000
5000 सॉल्यूशन मैच हो रहा है क्या? देखो हाँ, अभी भी इस सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम है, पूरे सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम है। किससे रिलेटेड? उस गुडविल से रिलेटेड, कि अगर गुडविल को आपने अलाउ नहीं किया तो उस गुडविल पे मुझे एटलीस्ट डेप्रिसिएशन तो मिलना था, है ना, 25% का। इस सॉल्यूशन में उस डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं कर रखा है। अगर अपन उस डेप्रिसिएशन को कंसिडर करेंगे तो ये जो लॉस है आपका ये और ज़्यादा आ जाएगा। कैपिटल गेन में जा रहे हो आप, कि उसको कैपिटल असेट नहीं मानते। इंटेंजिबल असेट मानते हैं ना, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि गुडविल इंटेंजिबल असेट है, 25% के ब्लॉक में आनी चाहिए। आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है ना उसके ऊपर। 35 AD में तो मना ही कर दिया कि लैंड और गुडविल पे नहीं मिलेगा आपको, तो चलो माना मैंने कि 35 AD में मत दो डिडक्शन। आप कम से कम उसको 35 AD में नहीं दे, 25% का डेप्रिसिएशन तो दो आप मेरे को। ये बात देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ था। ये बात आपके बुक में भी लिखी हुई होगी कि इंटेंजिबल असेट्स में डेप्रिसिएशन 25% लगेगा, नॉट बीइंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, दोनों पे ही नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल करेक्ट है ना, गुडविल आपको 35 AD में मिला, ना ही आपको इसका नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। इसलिए हम गुडविल को टोटली इग्नोर करेंगे। तो वहाँ पे लिख दो, गुडविल के आगे लिख दो कम्प्लीटली इग्नोर कैपिटल गेन में ट्रीट, फिर ये कैपिटल गेन में ट्रीट होगा, ठीक है। जितने में भी बेचेंगे तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में काउंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप लोग ये सारे अमाउंट्स लिख लो। एक तो ये वाला लॉस लिख लो आप लोग, ठीक है, ये वाली इनकम लिख लो आप लोग, और बाकी तो फिर आपको सॉल्व करना है। ये फ़ोटो वोटो लेना चाहो तो फ़ोटो ले लो। दू क्या फ़ोटो आपको? हाँ ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, एक्स लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन बैंगलोर ऑन सितंबर 6, 2021, इट कमेंसेस प्रोडक्शन ऑन मार्च 15, 2022, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एक्सपेंसेस ऑन इनकॉर्पोरेशन इशू ऑफ शेयर्स 92,000, प्रिपरेशन ऑफ फीजेबिलिटी रिपोर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, द वर्क इज कंप्लीटेड बाय द टैक्स पेयर इटसेल्फ 1,40,000, इंजीनियरिंग सर्विसेज वर्क इज कैरिड ऑन बाय द कंसर्न विच इज नॉट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड 1,30,000, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D अज्यूमिंग द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड कैपिटल ऑन 31 मार्च 2022, दैट इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर इन विच टैक्स पेयर स्टार्ट्स प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट 55, शेयर कैपिटल 40, डिबेंचर्स 12, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 8। ये क्वेश्चन है आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का रूल्स क्या था? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, विच एवर इज लोअर, वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा आपको, ठीक है। कौन सा? कैसे नहीं बताया? नोट्स में लिखा हुआ है अपने, आपके पीजीबीपी के नोट्स में आखिरी पॉइंट है शायद, माइंस वाले के पहले ये वाला पॉइंट है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 5 इयर्स में आपको राइट ऑफ होते हैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का एक्चुअल अमाउंट और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया था लास्ट डे पे जो फिक्स असेट होते हैं उसकी टोटल कॉस्ट को अपन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मान लेते हैं, है ना। या तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दे रखा हो या फिर फिक्स एसेट दे रखा हो, सारी बातें बताई थी क्वेश्चन में, ऐसे गिवन होता है। इसमें अपन ने एग्जांपल भी लिया था, 60 लाख के फिक्स एसेट थे, उसका 5% 3 लाख, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर 5 लाख है तो अलाउड कितना होगा? 3 लाख।
तीन लाख डिवाइड बाई फाइव ईयर 60,000 का डिडक्शन निकाल के बताया था, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखो आप लोग। एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपका कितना हुआ? एक हुआ 92,000, एक हुआ 1,40,000, और ये जो 1,30,000 है ये अप्रूव्ड नहीं है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बाद, तो इसको अंडरलाइन कर लो, नॉट अप्रूव्ड, और लिख दो 130 के आगे नॉट अलाउड। अमाउंट नहीं दे रखे क्या आपको? दे रखे है ना, 1,30,000 के आगे लिख दो नॉट अलाउड। तो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो कितना अलाउड माना जाएगा? 92 प्लस 1,40,000 कितना हो गया? 2,32,000 ये एक्चुअल। अब अपन चलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की तरफ। आपको मैंने दो चीज़ें बताई थी, या तो फिक्स असेट गिवन हो या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट गिवन। आपको क्वेश्चन में दोनों गिवन है। फिक्स असेट गिवन है कितने के? 55 लाख। और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट गिवन है कितनी के? सर मैंने खुद ने लगाया 40 प्लस डिबेंचर से लेके आया और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो लगा तो सारे ही प्रोजेक्ट में ही है। 12 प्लस 8 कितना हो गया? 60। अब मुझे लेना है इसका 5%, और वो 5% अलाउड हो जाएगा, तो 55 कर लूँ कि 60 कर लूँ? 60 कर लूँ। मेरी बात सुनो, अलाउड दोनों ही है, ये बात समझना, अलाउड दोनों ही है, लेकिन मेरे लिए बेटर कौन सा है? ज़्यादा वाला, तो मैं ज़्यादा वाला ले लूँगा। अगर ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट गिवन नहीं होता ना, तो मजबूरन मुझे कितना लेना पड़ता? 55 लेना पड़ता। ठीक है, तो अभी मैं ले लेता हूँ 60 लाख। 60 लाख का कितना परसेंट? 5%। कितना हुआ? 3 लाख, विच एवर इज लोअर। 2,32,000 डिवाइड बाय 46,400 इज योर आंसर। मैच हो रहा है क्या? डन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें अपन। एक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिनरल सिंस 1960। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इट स्टार्ट्स कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू माइन इन हजारीबाग। कंप्यूट द अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 35E फॉर द असेसमेंट ईयर 21, 22, 22, 23 फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। प्रशांत, ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? हाँ, कितना इक्वल इंस्टॉलमेंट? 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और कितना? कमेंसमेंट के 4 साल के पहले 4 साल के अंदर अंदर का, उससे भी पुराना है तो वो अलाउड नहीं होगा। गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिली है तो वो अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अगर किसी साल में डिडक्शन पूरा क्लेम नहीं कर पाते हो तो अगली इंस्टॉलमेंट में क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। ठीक है, याद आ गई सारी कंडीशंस? ओके, पढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम माइनिंग प्रीवियस ईयर 2021 और 2021-22। बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है? एंडिंग 31st, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इट स्टार्ट्स कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू माइन। मतलब 2021 में बिजनेस स्टार्ट हो गया इसका, तो 2021 और हमारा साल 21-22, दो साल के आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक साल में इनकम थी 20,000, एक साल में इनकम थी इसकी 4 लाख, ओल्ड माइनिंग और न्यू माइनिंग। अदर बिजनेस इनकम 4 लाख और 3,90,000। ठीक है, एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड लोकेटिंग मिनरल्स अप टू 31 मार्च 2016। 4 साल का ही अलाउड है ना, तो 4 साल के भी पहले कितने हो चुके हैं? 7, 20, तो इसका तो नहीं मिलेगा आपको, है ना, क्रॉस मार दो कि अप टू 4 इयर्स का ही मिलता है। एक्सपेंसेस फॉर पर्पस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड लोकेटिंग मिनरल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2021, मतलब 4 साल का, कमेंसमेंट से पहले के 4 साल, आउट ऑफ विच 6,000 मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो खर्चा तो हुआ है 3,36, 6,000 स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, तो अपना खर्चा कितना हुआ? 9,30, तो 9,30 ही अलाउड होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ साइट अलाउड नहीं है।
ज़मीन खरीदने के पैसे अलाउड थोड़ी होते हैं। परचेज ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग ऑन जुलाई 31, 2017 अलाउड नहीं है बेटा। प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्सप्लोरिंग ऑफ मिनरल्स के ही हैं, मशीनों के पैसे अलाउड नहीं होते आपको। तो सिर्फ और सिर्फ 9,30,000 ही अलाउड होंगे, वो भी कितने साल में, 10 साल में। तो एक साल का कितना होगा आपका, 93,000। ठीक है, अब पहले साल हर साल का 93,000 है, अब 93 में से इनकम देखो कितनी है, पुरानी और नई माइन मिला के कितनी है, 45। कृष्णा रह गया तू कि चल रहा है साथ में, हाँ सारे खर्चों में से अलाउड सिर्फ एक ही है, 9,30,000 डिवाइड बाई 10, 93,000। पहले साल में मैंने खर्चा इनकम देखी कितनी है, 20 और 25, टोटल कितना है, 45। तो 93 में से कितना अलाउड होगा, 45 ही अलाउड हो जाएगा। कितना बचा, माइनस 45, 48 आपका बच गया, डन। जो अगले साल में क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। अब अगले साल में आपकी इनकम माशाल्लाह बहुत शानदार है, कितनी है, पुरानी से 4,00,000 और नई से 75,000, टोटल कितना है, 4,75,000। तो इस 4,75,000 में से 93 तो जो हर साल का है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 48 और मिल जाएगा, तो 93 प्लस 48 कितना हो गया आपका, 1,41,000। तो माइनस हो जाएगा 1,41,000, बिंगो, डन। तो पहले साल में देखो, पहले साल में 20 और 25, 45 की तो पूरी इनकम राइट ऑफ हो गई, और कोई इनकम है आपकी सिर्फ 4,00,000, तो इस 4,00,000 को इनकम मानूंगा पहले साल में। और दूसरे साल में 4,75,000 में से 1,41,000 क्या हो गए, माइनस हो गए, कितना बचा, 3,34,000। तो ये बचा, प्लस अदर इनकम कितनी है उसकी, 3,90,000, 7,24,000 आपकी नेक्स्ट ईयर की इनकम। ठीक है, हो रहा है मैच, ओके। कहाँ तक पहुँच गए अपन, 14 हो गया ना, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक नया टॉपिक पढ़ना है अपन को। ये टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगता नहीं है इसलिए मैंने नोट्स में लिया नहीं है, पर क्वेश्चन है तो टॉपिक भी पढ़ा देता हूँ, क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये है आपका ज़ीरो कूपन बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड के बारे में। अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अदर सोर्सेज तो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, तो मैं ये सेम बात आपको अदर सोर्सेज में भी पढ़ाऊंगा, और अभी अपन पढ़ रहे हैं बिजनेस प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी एक कंपनी है, मैंने डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू करे हैं। सक्षम डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होते हैं, फेस वैल्यू पे रिडीम होते हैं, कम प्राइस पे इशू होते हैं, बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो अभी अपन एग्जांपल लेके चलते हैं, जो क्वेश्चन है उसी का एग्जांपल लेते हैं, कि 85 रुपीज़ में इशू हुए हैं और मैं उनको रिडीम करूँगा कितने में, 100 में। ठीक है, अब एक बात सोचो, अगर मैं बैंक से लोन लेके आऊँ 10,00,000 रुपये का, है ना, और बैंक वालों को उस पर ईयरली इंटरेस्ट पे करूँ, तो वो जो ईयरली इंटरेस्ट में पे कर रहा हूँ वो मेरे लिए खर्चा है कि नहीं है, है ना। अब मैंने तो नए तरीके के बॉन्ड इशू कर दिए, जो मैंने 85 में इशू किए हैं, अब पैसे कब दूंगा मैं उसको, 100, 5 साल बाद, मान लो कब दूंगा मैं, 5 साल बाद। तो ये जो 15 रुपये मैं खर्च करूँगा, 85 के 100 रुपये दूंगा, 15 रुपये मेरा खर्चा हो गया, ये 15 रुपये मेरे कितने साल का खर्चा हो गया, 5 साल का। तो इनकम टैक्स वालों ने बहुत सिंपल रूल बना रखा है कि हम जानते हैं कि आप ड्यूरिंग द ईयर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, पर रिडेम्पशन में आपको पैसा देना पड़ेगा, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा आप रिडेम्पशन में दोगे ना, उसको उसकी लाइफ में क्या कर दो, डिवाइड कर दो प्रोराटा बेसिस पे, सिंपल। जैसे आप 85 की चीज़ के 100 रुपीज़ दोगे, 15 रुपये एक्स्ट्रा दोगे, तो 15 रुपये आपका खर्चा हुआ ना। आपका बॉन्ड कितने टाइम पीरियड का है, मैंने कहा 5 साल का है, 5 साल का है मतलब 15 रुपये डिवाइड बाई 5 साल, 1 साल का खर्चा कितना हुआ, 3 रुपये। तो जब से आपने बॉन्ड इशू किया है तब से हर साल 3 रुपये का आपका मान लो खर्चा, मान लो, सिंपल है कि नहीं है, बेहद सिंपल है। बट द प्रॉब्लम इज, क्या ज़रूरी है क्या कि मैंने वो बॉन्ड 1 अप्रैल को ही इशू किए हूँ, नहीं, मैं कोई से भी डेट से इशू कर सकता हूँ, पर वो है कितने के, 5 साल के। तो मान लो हो सकता है कि मैंने 1 अक्टूबर में इशू किए, अब अगर है तो पूरे 5 साल के, लेकिन अगर मैंने 1 अक्टूबर में इशू किए तो इस साल में तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने ही आएंगे, तो इस साल पूरे 3 रुपये का नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 रुपये तो 12 महीने के होते हैं, हमें कितने महीने का मिलेगा, 6 महीने का मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, है ना।
इट मींस उन्होंने सिंपल कह दिया प्रोराटा बेसिस पे आप डिवाइड कर दो, तो प्रोराटा एक्चुअल प्रोराटा होना चाहिए मंथ के हिसाब से, किसके हिसाब से, मंथ के, नॉट डेज के हिसाब से। जरूरी थोड़ी है फर्स्ट अक्टूबर को ही किया हो सकता है 10 तारीख को किया हो, 15 तारीख को किया हो, तो नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से अपन करें, बस यही प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे लिख दो, जाएं क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उधर आप लिख दो आपकी मेमोरी बेसिस के लिए, कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स, कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स। अब आप क्वेश्चन रीड करो, जीरो कूपन बॉन्ड इशूड बाय एक्स लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी ऑन 4th October 2021, कितना 4th October 2021, डबल अंडरलाइन कर लो 4th October 2021, इश्यू प्राइस 85, फेस वैल्यू एज वेल एज द अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन 100, 85 है वहां पे, करेक्शन करो 35 नहीं 85 है इशू प्राइस 85 और रिडेम्पशन प्राइस कितना है 100, मतलब हमारा खर्चा कितना है 15 रुपये का। डेट 10th July 32, डबल अंडरलाइन कर लो 10th July 32, आपको महीने गिनने पड़ेंगे उंगलियों पे, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स सब्सक्राइब बाय पब्लिक 1 लाख, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने थे 1 लाख, 15 रुपये एक बॉन्ड पे अपना खर्चा हो रहा है, 1 लाख बॉन्ड है तो अपना टोटल खर्चा कितना हो गया 15 लाख, ठीक है। 15 लाख को अपन को नंबर ऑफ मंथ्स में डिवाइड करना है। अगर मैं आपको नंबर ऑफ मंथ्स पहले ही बता दूं कि मान लो 60 महीने हैं, तो 15 लाख डिवाइड बाई 60 कर लोगे, एक महीने का आ जाएगा, हर साल में जितने महीने उतने देख लेना। अब प्रॉब्लम क्या होगी देखना ज़रा, प्रॉब्लम क्या होगी कि सर मैंने उसको किसी और डेट पे इशू किया है, तो पहले साल में दिन महीने गिनने पड़ेंगे और आखिरी साल में महीने गिनने पड़ेंगे, बीच के सालों में तो 12 महीने ही रहेंगे ना, तो पहले वाले साल में और लास्ट वाले साल में ही प्रॉब्लम होगी, और किसी चीज़ में प्रॉब्लम थोड़ी होगी। समझ में आया कि नहीं आया, डन क्लियर है ओके। तो अब देखो अपना मेन काम ही क्या रह गया, महीने गिनने का। आपने इसको लिया 4th October, अभी 4 को भूल जाओ, अपन अक्टूबर से काउंट करते हैं, कब से लिया आपने, अक्टूबर 2021, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कहाँ तक आ गए आप, मार्च 22 तक आ गए, 6 महीने तो यहाँ हो गए है ना। फिर इसके बाद अब आपका एंड कब हो रहा है, नहीं एंड देख 10th July 32, तो अभी आप 10th को भूल जाओ, 32 तक पहुंचना है अपन को, 6 महीने कहाँ तक आ गए, मार्च 22, अब पूरे पूरे साल गिनने लग जाओ उंगलियों पे, 22 23, मतलब 23 पे पहला साल, 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32, 10 साल तो ये हो गए, कहाँ तक, मार्च 32 तक। अरे सर इतना दिमाग क्यों लगाया, मार्च 22 से मार्च 32 तक कितने हो गए, 10 ईयर्स तो यही हो गए ना, 10 ईयर्स मतलब 120 महीने। इसके बाद अप्रैल मई और जून पूरा पूरा, अप्रैल मई और जून पूरा, जुलाई पूरा नहीं आएगा, ये जुलाई में तो कितना हो गया 10 तारीख को ही ख़त्म हो गया, और मेरा महीना चालू ही कब हुआ था 4 तारीख से, है कि नहीं, आईपीसीसी वाले और दिमाग होगा तो मैं बता रहा हूँ, 4 तारीख से 4 तारीख एक महीना कंप्लीट होगा ना, तो 4 जुलाई को महीना कंप्लीट हो रहा है मेरा, अप्रैल मई जून है ना और जुलाई, अप्रैल मई जून पूरे पूरे, और 4 जुलाई मेरी कितना हो गया, 4 महीने और हो गए, तो टोटल कितने महीने हो गए अपने, 130 मंथ्स, पर इन लोगों ने 129 के हिसाब से ही कर रखा है, कर लिया ना मैंने,
तो 130 तो लिख रहा हूँ मैं, इन्होंने 129 कर रखे हैं ना, अपने हिसाब से तो 130 आ रहे हैं ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चार, हाँ एक मिनट एक मिनट, 4 अप्रैल में मेरा साल खत्म होगा, ये 4 मई जून और जुलाई, हाँ 3 महीने ही आएंगे, समझो ना आप, 4 तारीख से चालू हुआ है तो 4 को ही कंप्लीट होगा, तो 31 मार्च को कंप्लीट नहीं हो रहा है, 4 अप्रैल को कंप्लीट हो रहा है, 4 अप्रैल के बाद 4 मई 4 जून और 4 जुलाई, 3 महीने ये और 6 दिन एक्स्ट्रा, 6 दिन को आप इग्नोर कर दो, 3 महीने अपन पकड़ते हैं, तो अपने टोटल कितने हो गए, 129 मंथ्स हो गए, क्लियर है। अब आपका खर्चा कितना हो रहा है, सर 100 रुपीज़ रिडम्शन है, 85 रुपीज़ का इशू प्राइस है, 15 रुपये एक पे खर्चा हो रहा है, 1 लाख के बॉन्ड, 1 लाख नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, टोटल कितना हो गया, 15 लाख। अब आप इस 15 लाख रुपए को डिवाइड कर दो 129 से, सॉरी मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने, कितना 11,628 ले लो, चलो ठीक है। अब अपने साल में कितने महीने कंप्लीट हुए इसके, पहले वाले साल में कितने कंप्लीट हुए इसके, 6 महीने, 4 दिन को इग्नोर करें तो कितने महीने हो गए, 6 महीने, तो 11,628 × 6 कितना, ये पहले साल का, यहाँ पे 69,768, फिर उसके बाद तो 12 महीने के चलते रहेंगे, है ना, तो इसको डबल कर दो, करो कितना हुआ, ये 6 महीने का डबल करो कितना हुआ, 1,39,536, डन। फिर अगले उसमें अपन ने कितने महीने लिए, 3 महीने, तो उसके 3 महीने कर दो, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, 34,884 यार, 12 रुपये बच गए, ठीक है, चलो ओके डन, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा सी यू।